राघवाय दर्शन करके हमारी बस काठमांडू से अब जनकपुर के लिए रवाना हो चुकी है। अब हम सब लोग पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिए हैं। यात्रा हमारी दिल्ली से 50 दिन वाली जा रही है। ये हमारा 10वां दिन है, 9वां दिन है। हम काठमांडू से दर्शन करके जा रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरता और सफाई तो है ही नेपाल है। कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, बहुत साफ सुथरा शहर है। लेकिन यहाँ सबसे खासियत मिलती है बगीचे यहाँ रुद्राक्ष के बगीचे हैं यहाँ सबसे ज्यादा। और छतों पर जो है ना, वो सबके छत पे आप ध्यान से देखते चलना, सबके छत पर टीन जरूर लगी होगी। एक ऊपर टीन सेट तो रहना ही रहना होता है यहाँ के घरों में। सबसे ज्यादा खासियत यहाँ की है। नेपाली लोगों को तो सब जानते ही है, लेटरिन बाथरूम जाओ तब भी 10 रुपये देना है, लेटरिन जाओ तब भी 10 रुपये देना है। आप किसी भी शौचालय का उपयोग करोगे तो आप 10 रुपये दोगे, कभी उसका उपयोग करोगे। आपने पन्नी वन्नी फेंक दी, कुछ भी गलत काम कर दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ जुर्माना है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है। बाजार भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सबसे शुद्ध और अच्छा रुद्राक्ष मिलता है यहाँ पर। रुद्राक्ष के पौधे, रुद्राक्ष का बगीचा, रुद्राक्ष की माला, सब कुछ मिलता है पशुपतिनाथ पर। रुद्राक्ष की माला चढ़ाओ। काठमांडू है ना, थोड़ा यहाँ पहाड़ और वो थोड़ा नीचा ऊंचा, ऐसे पहाड़ी है जो शहर बसा हुआ है, कुछ नीचे ऊंचे पे इस तरह से बस। देखो कुछ घर कितने नीचे हैं, देखो कितने नीचे हैं, ये पूरा शहर हाँ एक जैसे समतल जगह पर नहीं बसा हुआ है। दर्शन भी बड़े अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे, दर्शन का आनंद लेते हुए और काठमांडू की यात्रा करते हुए हम और आप बोलो बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर शंकर भगवान की जय।